जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, फैक्ट समाचार में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में भारी बहुमत से जीतने के बाद मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में कुछ बदलाव कर दिया गया, और इस बदलाव के तहत किसान सम्मान निधि योजना में किस तरह से किसानों के लिए बहुत बड़ी फैसला ले लिया गया, ये चीज़ आज की इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को स्किप करके आप मिस्टेक करते हो तो आप इस योजना को समझ नहीं पाओगे और आप इस योजना के तहत आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया मोदी कैबिनेट के पहले ही बैठक में। तो किसान सम्मान निधि योजना में क्या बदलाव किया गया, सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पहले से मिल चुका है तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताइए कि हाँ, मुझे मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो भी आप जरूर से कमेंट करके बताइए। दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला, मोदी कैबिनेट के पहले बैठक में इसके ऊपर ही बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया गया। दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा कड़ी किस तरह से आपको किसान सम्मान निधि योजना में भाग लेना है, कहां से आवेदन करना है, कहां से फॉर्म भरना है, कौन सा दस्तावेज चाहिए, सारा चीज आपको इस देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह के सरकारी योजनाओं से अपडेट रहने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए ताकि हमें पता चल सके आपने वीडियो को देख लिया है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करिए ताकि और भी जो बेरोजगार लोग हैं, जो किसान हैं, उन सभी को ये वीडियो पहुंच जाए और उन्हें भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत बहुत ही ज्यादा सहाय मिल जाए या फिर सहायता मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो के नीचे आप जरूर से कमेंट करिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको लाभ मिला है या फिर अभी तक नहीं मिला है, ताकि हमें पता चल सके और आपके इस आवाज़ को हम लोग आगे सरकार तक पहुंचा सके। दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में किसानों के मदद पहुंचाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसमें ऐसे किसान परिवारों को शामिल किया गया है जिसने पति पत्नी और 18 वर्ष तक के दो बच्चे 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हों। 1 फरवरी 2019 तक के लैंड रिकॉर्ड में किसान का नाम होना जरूरी है। इस योजना द्वारा 12 करोड़ किसान परिवारों को मदद की जाएगी। इस स्कीम में मिलने वाले सभी राशि का उपयोग किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में कर सकता है। योजना से जुड़ी खास बातें हैं जो मैं अभी वो बताऊंगा आपको। योजना का लाभ लेने के लिए पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, योजना से लाभ लेने के लिए पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर पहली पॉइंट की हम बात करें, यानी यह योजना छोटे किसानों के खेती और घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में आर्थिक मदद करती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका नाम राज्य भूमि स्वामी रिकॉर्ड में दिखे। यदि आपका नाम नहीं दिख रहा है तो अपने पटवारी, तहसील या भू राजस्व विभाग में संपर्क करें। इस स्कीम का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के किसान उठा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। आपके पास साधन है और आप इंटरनेट चलाना जानते हैं तो उनकी वेबसाइट जो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर भी आप स्कीम से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। इस लिंक पर योजना के बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी। अगर लेखपाल और कृषि अधिकारी इसका लाभ देने में आनाकानी करते हैं तो सोमवार से शुक्रवार तक पीएम किसान हेल्प डेस्क के ईमेल, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, pmkisan@gov.in पर शिकायत करें। वहां भी बात न बने तो सीधे हेल्पलाइन के सेल फोन नंबर 0112338109 पर कॉल करें। और दोस्तों, इस योजना के तहत जो पैसे आएंगे सीधे खाते में आएंगे, तो किस तरह से आएंगे वो भी आप ध्यान से सुनो। यह राशि 2000 रुपये की किस्तों में 4 महीने के अंतराल से 3 बार सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होगी। इसके पीछे सरकार की यह सोच है कि इतनी छोटी जमीन पर होने वाले पैदावार से किसान वर्ष भर अपने परिवार का पोषण और ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे इस योजना के लिए, वो भी आप ध्यान से सुनो। किसानों का इसका लाभ पाने के लिए सबसे पहले अपने एरिया के कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर की काफ़ी देना होगा। कोई बात समझ ना आने तो अपने लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं। लेखपाल सत्यापित करता है कि आप किसान हैं। आप कृषि विभाग में जाकर सीधे अथवा ऑनलाइन पंजीयन भी करा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए ग्राम पंचायत या पास के CSC सेंटर जाना होगा। इस दौरान आधार कार्ड नंबर, मतदाता पहचान पत्र और बैंक खाता नंबर अपने पास रखें। वहां फॉर्म दिए जाएंगे जिन्हें भर के जमा करना होगा। यदि SC/ST वर्ग से हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा। पिता का नाम, अपना मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, जैसे कि खेती की जानकारी, जैसे खेत के आकार, कितनी ज़मीन है आदि देना होगा। किसानों के नाम की लिस्ट पंचायत पर लगाई जाएगी। इसके अलावा आपके मोबाइल पर भी SMS भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद मोदी सरकार के पहले कैबिनेट में किसान सम्मान निधि योजना पर बहुत ही बड़ा विचार कर लिया गया था, और किसान सम्मान निधि योजना के तहत बहुत जोरों शोरों से किसानों को 4 महीने के अंतराल प्रतिमाह 2000 रुपये करके सीधे उनके बैंक खाते में पैसा भेजा जा रहा है। तो 2000 रुपये यानी कि टोटल 6000 रुपये एक साल में भेजा जाएगा, जो कि
तीन इंस्टॉलमेंट में यानी कि तीन किस्तों में भेजा जाएगा। पहले 2000, फिर 4 महीने के बाद 2000, फिर 4 महीने के बाद 2000। इस तरह से किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये बिल्कुल उनके बैंक खाते मिल रहे हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया। जय हिंद दोस्तों, जय।